आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखा चुके थे कि आप सभी को नेटवर्क 33 के ऑफिस में गए थे, वो ऑफिस आप सभी को दिखाए थे फ्रेंड्स। आज ना आप सभी को उन सभी से मिलाने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से मतलब कहानियाँ लिखते हैं और एडिट करते हैं और वॉइस अपनी उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, हर एक चीज़ आप सभी को मतलब वीडियो में इस वीडियो में पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और आप सभी कभी उन सभी को मतलब कभी उन लोगों को देखे नहीं होंगे, आज आप सभी उनको रियल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं अभी वहाँ पर जहाँ पे हैं वो लोग अभी, वो सभी। तो चलिए अभी आप सभी को दिखाते हैं और उनसे आप सभी को बातें कराते हैं और आप सभी उनसे बातें करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उन सभी से बातें कर आप सभी को फ्रेंड्स। तो चलिए अभी सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं फ्रेंड्स। अभी हम ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑफिस के अंदर ही हैं। और अभी मामा जी है नहीं, मतलब जो कहानी लिखते हैं वो अभी है नहीं, जो एडिट करते हैं वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एडिटिंग चल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सभी, वीडियो मतलब बनाया जा रहा है, आप सभी उनसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से वीडियो बना रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे मामा जी ऑडियंस को, क्या कहना चाहते हैं आप सभी? कुछ नहीं, बस काम करते रहो मामा जी, करो। मामा जी का कहना है कि काम करते और मजे करते रहो, इनका यही कहना है। और अभी मतलब खाना वाना खाने जा रहे हैं, मैं भी साथ में खाना खाने जा रहे हैं। और अभी जो मतलब वॉइस अपनी देते हैं यो वीडियो में, उनसे आप सभी को मिलाने वाले हैं आज, और जो कहानी लिखेंगे आज सभी से मिलाने वाले हैं। आज तो मतलब ये जो वीडियो में एडिटिंग का किरदार रहता है उनसे आप सभी को मिला चुके हैं फ्रेंड्स। तो अभी चलिए कुछ देर बाद आदमी वो लोग बाहर गए हैं कहीं पर, उनसे मिलाएंगे आप सभी को फ्रेंड्स। तब तक के लिए वेट करिए थोड़ा सा, आते हैं फिर जल्दी से। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को बताया थे कि अभी मामा गए थे बाहर और अभी मतलब आ चुके हैं, देख सकते हैं पीछे यहाँ पे मतलब ठंड के मारे, मतलब कुछ ठंड है ज़्यादा ना दिल्ली में अभी इस टाइम, तो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो चलिए अभी आप सभी को मिलाते हैं इनसे और क्या आप सभी को ये नॉलेज देते हैं, क्या बताते हैं, आप सभी मिल सकते हैं फेस टू फेस, कभी देखे नहीं होंगे इनको, तो आज देख सकते हैं आप सभी फ्रेंड्स। मामा जी, तो भाई साहब फेस टू फेस तो देख नहीं सकते क्योंकि हम फेस ना दिखाते नहीं हैं, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही होगा कि हम लोग हैं नेटवर्क 33 की टीम, अभी राजकुमार तो आया नहीं और मैं हूँ वीर जो कि आपके लिए कहानियाँ लिखता है। ज़्यादा कहानियाँ कह सकते हैं कि सारी कहानियाँ तो मैं नहीं लिखता, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ जो आप पसंद करते हैं तो मैं ही लिखता हूँ, और एक और राइटर है हमारे पास जो राजस्थान से लिखते हैं। तो कुल टोटल 4-5 लोगों की टीम है और ये आप हम सभी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छा से अच्छा स्टोरी दे पाएँ। और बहुत सारे ऐसे स्टोरियाँ होते हैं जो आप लोग ही शेयर करते हैं हमारे साथ, अगर अभी भी आपके पास कोई स्टोरी हो माइंड में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ या फिर हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, जो बाकी जो डिटेल हैं आपको नीचे दी जाएगी। बात रही कि आप दीपक आए हैं, ब्लॉगिंग चैनल हैं, तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा और टाइम दीजिए, पक्की बात है ये अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ग्रो करेंगे। यहाँ पर आए हैं कुछ आइडिया लेने के लिए कि आखिर YouTube कैसे वर्क करता है, अगर आपको भी जानना है तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ जहाँ आपको बेसिक नॉलेज भी मिलेगी और साथ में कैसे ग्रो करना है, क्या गलतियाँ होती हैं जब एक बिगिनर के तौर पर आप यूट्यूब में आते हैं क्रिएटर के तौर पर, क्या मिसलीडिंग चीज़ें हैं जो मार्केट में जिसके वजह से आप वो नहीं अचीव कर पाते जिसके लिए आप यूट्यूब में आए हैं। तो उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट तो रहेगा ही भरपूर, तो फुल ऑन मज़ा है और काम भी है और सक्सेस भी है, तो इससे अच्छा चीज़ और क्या होगा। तो बने रहे हमारे साथ और अभी ये मिलाएंगे आपको राजकुमार से। राजकुमार वो हैं जो आपको डराते हैं अपनी वॉइस के थ्रू, आपने अगर नेटवर्क 33 की स्टोरी सुनी है तो पता है कि वो कितनी डरावनी आवाज़ है। कमेंट बॉक्स में हमें आते रहते हैं कि भाई आपकी आवाज़ तो ज़बरदस्त है, हम आपके फ़ैन हैं, तो आज जिसके आप फ़ैन हैं उसको देखने का मौका मिलेगा। वो बहुत ही हंसमुख हैं और बड़े ही मज़ेदार आदमी हैं, वो आपको मालूम चलेगा जब वो मिलेंगे, है ना? हाँ, आज आप सभी को उनसे मिलाएंगे और आप सभी मिल भी चुके हैं, मेरे मामा जी जो राइटर है मतलब कहाँ
सारी स्टोरी में से कुछ स्टोरी मेरी होती है जो मामा जी, मतलब स्टोरी मतलब मामा जी अपने खुद से स्टोरी बनाते हैं वो, और कितनी अच्छी लगती है आप सभी अगर नहीं देखे होंगे तो नेटवर्क 33 सर्च करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और राजकुमार मतलब वॉइस अपनी रिकॉर्डिंग उसमें करते हैं और जिससे डरावनी भूत से आवाज़ लगती है वो भी अभी आते ही होंगे, उनसे भी आप सभी को मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो आज फाइनली आप सभी देख लेंगे सभी को क्या नेटवर्क 33 मतलब देखना चाहते थे जो कभी देखे नहीं होंगे उन लोगों को, तो आज फाइनली देख लेंगे सभी लोगों को। तो कुछ देर वेट करते हैं फिर मिलते हैं सभी से फ्रेंड्स। अभी अपनी मतलब मामा जी से मिला चुके हैं और आप सभी को बहुत चीज़ मतलब नॉलेज की चीज़ें बताएं आप सभी को। और अभी राजकुमार के साथ मतलब आप सभी हॉरर स्टोरी अगर देखे होंगे तो पहले नंबर या दूसरे नंबर पर यह चैनल आता है नेटवर्क 33, और बहुत सारे लोगों का ये चैनल जिन्हों का चहता है मतलब बहुत सारे लोग उसे लाइक करते हैं फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी मेरे को घर में मेरे गांव के लोग ना बहुत ये चैनल के मतलब बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टोरियाँ इसमें आते हैं क्योंकि सारे रियल कंटेंट होते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि हो रहा है ऐसा कुछ बताते हैं इस पे चैनल पर। तो अभी आप सभी को राजकुमार के साथ मिलते हैं, फिर उनसे आप सभी को बातें कराते हैं, कभी तो आप सभी देखे नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा वेट करिए फिर मिलते हैं। ये आप सभी को बताया था कि आज आप सभी को राजकुमार सर से मिलाने वाले हैं आप सभी को। तो अभी वो टाइम आ चुका है और अभी ऑफिस में आ चुके हैं, तो चलिए अभी आप सभी को मिलाते हैं उनसे और बातें कराते हैं बहुत सारी। तो ये रहे फ्रेंड्स, देख सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार, और दीपक जी से आज मिलके मुझे खुशी हुई है कि वो मेरे पास आए और मुझसे बातें कर रहे हैं, और मुझे भी उनसे बातें करने को मिली है। खैर दीपक जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो हमारे यूट्यूबर फैमिली को जो हैं उन्हें आप अपनी वॉइस के बारे में कुछ बता दें, और ओके क्योंकि आपके लाखों क्या बहुत सारे चाहने वाले हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं, मैं देखे आपके चैनल देखता हूँ हमेशा। दोस्तों जैसा कि दीपक जी पूछ रहे हैं कि मेरी वॉइस कैसी है और जो मेरे चाहने वाले हैं ये बता रहे हैं कि वो भी जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी वॉइस है वो एक नेचुरल वॉइस है, इसमें ना कोई इफेक्ट ना कुछ, बस ये नॉर्मली जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता हूँ मैं आपसे, और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से इसमें कोई ऐड ऑन किया गया हो, बाकी आप देख ही सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलता हूँ। तो अभी इस टाइम फ्रेंड्स ना मतलब अभी कहानी मतलब कंप्लीट कर रहे हैं और बना रहे हैं, मतलब कहानी अभी तैयार होगा, जो मतलब रिकॉर्डिंग होगा वो भी आप सभी को दिखाएंगे किस तरह से करते हैं, वो देखेंगे आप सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अभी तो ये जो कि हमारे ऑफिस में आए हैं, इनका एक ब्लॉग का चैनल है और हमसे मिलने आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इनका जो सवाल है वो ये है कि ये जानना चाहते हैं कि मेरी जो वॉइस है वो नेचुरल है या फिर कोई इफेक्ट है, क्या है उसमें? तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ ऐसे ही है, सेम टू सेम ये नेचुरल वॉइस है, ना कोई इफेक्ट ना कुछ। मैं आपको एक बार बोल के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा क्लोज करो, पास ले जाओ थोड़ा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो गाइस आपने देख लिया होगा वॉइस सेम टू सेम है, ना कोई चेंजेस ना कुछ है। तो गाइस अब तो आप जान ही गए होंगे, और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो हम तो दीपक जी का जो चैनल है उसमें नीचे उसमें वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये फ्रेंड्स अभी कुछ देर बाद मिलाते हैं आप सभी को फिर से और दिखाते हैं किस तरह से अपने वॉइस उसमें देते हैं, रिकॉर्डिंग किस तरह से किया जाता है, हर एक चीज़ आप सभी को इसमें दिखाने वाले हैं वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा और वेट करिए, कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। मैंने देखा कि अब उसकी बॉडी के कई टुकड़े अपने आप ही होने लगे। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह का दिल दहला देने वाला नजारा देखा था, जिसे देखकर मेरे